आज हम सिखाने वाले सादा ब्लाउज की कटिंग, इसके माप कैसे लेने का। देखो यहाँ से 1 इंच छोड़ने का, ये हुक के बाजू में से 1 इंच लेके ऐसे टेप बाहर को छोड़ने का और चेस्ट या टाइट पकड़ने का। ऐसा चेस्ट आया 12, तो कपड़े में 12 इंच का गड्ढी डालने का। उसके बाद पीछे का लंबाई लेने का, ये सिलाई ऐसा खोल के पकड़ने का। यहाँ से पीछे का लंबाई लेने का, 14.25 आया ना तो 0.5 इंच बढ़ा के रखने का इधर की सिलाई के लिए, 14.5, ये सिलाई भी खोल के पकड़ने का। उसके बाद पीछे का गला लेने के लिए यहाँ से 14.25 रख के ये पीछे का गला लेने का। पीछे का गला आया 10 इंच, इधर का सिलाई इतना 0.5 इंच जाएगा, तो ये पीछे का गला आया 10 इंच। पीछे का लंबाई हमने 14.5 लिया, तो आगे का लंबाई में 1.5 इंच बढ़ा कर रखने का, आगे का लंबाई में 1.5 इंच बढ़ा कर रखने का। उसके बाद ये यहाँ पे 0.5 इंच ऐसा, ये जो सिलाई है उस सिलाई को पकड़ के यहाँ से ऐसा क्रॉस लेने का, यहाँ से ये ऐसा क्रॉस लेने का। ये आया 12, तो ये इधर सिलाई ऊपर है ना, तो ये 12.5 इंच लेने का यहाँ से, और सेंटर से लेने का प्रेशर पट्टी के माप यहाँ से लेके ये जो टक्स मारा है टक्स के इधर से सीधा पकड़ने का 13, मतलब 12.5 और 13 लेने का। उसके बाद शोल्डर लेने के लिए ये गला फिट छोड़ने का इधर से, और यहाँ पे ऐसा 2.5 छोड़ के शोल्डर लेने का। कभी भी इधर 2.5 इंच छोड़ देने का और बाकी का शोल्डर आएगा, तो शोल्डर आया 5.5। उसके बाद हाथ लंबाई लेने के लिए यहाँ से सिलाई खोल के ऐसे रखने का, हाथ लंबाई लेने का यहाँ से 5, फिर हाथ फिट लेने का, हाथ फिट यहाँ से 1 इंच छोड़ने का, ये यहाँ से आया 1 इंच लेने का, ये शोल्डर के यहाँ से, ये हाथ के इधर से 1 इंच लेने का, ये शोल्डर से इधर से इधर ऐसा करके, ये हाथ के लंबाई के इधर से 1 इंच लेके वो 1 इंच पे से इधर बगल के इधर ऐसा टाइट पकड़ने का। हाथ फिट आया 9.25। इसके बाद हाथ फिटिंग लेने का यहाँ पे जो सिलाई है वहाँ तक 7 इंच, और ब्रेसर पट्टी जो हम लोग लेगा वो यहाँ से माप लिया हमने 12 और यहाँ से बीच में से लिया 12.5, फिर इसको शेप देने का। शेप देने के बाद आगे का गला मापने का, ऐसा आगे का गला मापने के लिए यहाँ से 0.5 इंच छोड़ने का, 0.5 इंच छोड़ के इसको सीधा ऐसा रखने का 7 इंच, आगे गला 7 इंच, यहाँ से ऐसा टाइट पकड़ने का 0.5 इंच छोड़ के, यहाँ से ऐसा फिर 0.5 इंच लेके शेप देने का। और टक्स मारने के लिए जो टक्स वगैरह मैंने उसमें लिखा है पहले के फर्स्ट वीडियो में मैंने दिया है टक्स कैसा लेने का ब्लाउज़ में, वो आप वीडियो में देखेगा तो आपको पता चलेगा। बस अभी इतना ही, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।